कराटे चैंपियन हरियाणा पुलिस पर बीच मारता है, उसे यौन उत्पीड़न का आरोप है। एक महिला एक राष्ट्रीय स्तर के कराटे चैंपियन एक वाहन में एक ऑटो रिक्शा पर चढ़ गया, जब एक ही वाहन में उसके बगल में कांस्टेबल बैठे थे। पुलिस ने कहा, हरियाणा में एक यातायात पुलिस को गुरुवार को एक ऑटो रिक्शा में 21 वर्षीय महिला को कथित रूप से यौन उत्पीड़न के लिए गिरफ्तार और निलंबित कर दिया गया है। कराटे चैंपियन अपने कराटे वर्क के बाद एक ऑटो रिक्शा भरे थे, तब कांस्टेबल उसी वाहन में चढ़ गया और उसके बगल में बैठ गया। इसके बाद उसने अपने मोबाइल नंबर के लिए पूछा। पुलिस ने बताया कि एक राष्ट्रीय स्तर के कराटे चैंपियन महिला ने अपने कराटे वर्क के बाद एक ऑटो रिक्शा पर चढ़ाई की, जब कांस्टेबल उसी वाहन में बैठे और उसके बगल में बैठे थे। पुलिस ने कहा, उसने अपने मोबाइल नंबर के लिए पूछा और उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। महिला ने अपनी शिकायत में कहा, जब से उसने उससे बात करने से इनकार कर दिया, तब से कांस्टेबल बने रहे, लेकिन जब कांस्टेबल ने उसे छूना शुरू कर दिया तो उसने उसे आत्मरक्षा में मारा और चालक को महिला पुलिस थाने में लेने के लिए कहा। पुलिस स्टेशन पर स्टेशन हाउस ऑफिसर यह SHO ने आरोपों से इनकार नहीं करने के लिए कथित तौर पर उसे मना किया। SHO ने सुझाव दिया कि वह बदले में कांस्टेबल को सलाह देंगे, लेकिन घटना के बाद रोहतक के पुलिस अधीक्षक पंकज नैन के नोटिस के लिए लाया गया था। एक प्राथमिकी तुरंत दर्ज की गई और महिला पुलिस अधिकारी का स्थानांतरित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रमेश कुमार ने कहा, ऑटो रिक्शा में महिला को परेशान करने के लिए संबंधित प्रावधानों के तहत एक मामले को कांस्टेबल यासीन के खिलाफ दर्ज किया गया है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है।